चलिए, चूल्हा हमने ऑन कर लिया है। सबसे पहले हम घी डाल लेते हैं। घी गर्म हो गया, अभी डाल देते हैं प्याज। प्याजों को अच्छी तरह करते हैं ब्राउन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमारे बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं, अभी हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन को पका लेते हैं, फ्राई करेंगे चिकन। ये जनाब, अभी हम डालेंगे टमाटर ताकि अच्छी तरह से टमाटर और ये सारी चीज़ें यकजान हो जाए। ठीक है, हमने तीन अदरक टमाटर डाल दिए हैं और साथ ही के अंदर जो है ना अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो डाल रहे हैं। ठीक है, चार चम्मच जो है ना अदरक और लहसुन और सब पेस्ट है। ये ना जनाब, अभी बाकी स्पाइसेस हम डाल देते हैं, जिसमें सिर्फ मिर्च, ज़ीरा, इसमें ज़ीरा है, सब्ज़ धनिया, लौंग और दालचीनी, ये सारी चीज़ें डाल दी। और रेड चिली ठीक है, मैंने दो चम्मच डाल रहे हैं। और बिरयानी मसाला ये भी दो से तीन चम्मच। नमक तकरीबन दो चम्मच या टेस्ट अकॉर्डिंग। अभी ऐड कर देते हैं दही, योगर्ट्स तकरीबन आधा किलो योगर्ट हमने ऐड कर दी। अच्छी तरह मिक्स करके इसको हल्की आंच पे पकने देते हैं और साथ में अपने जो है ना चावल जो है ना बॉईल कर लेते हैं। इसको कर देते हैं अभी कवर। अभी हम जो है ना चावल को बॉईल कर लेते हैं। चावल हमने काफ़ी देर से सोख करके रखे हुए थे, इसको जो है ना हमने एक कनी भी नहीं छोड़नी, बल्कि कम से कम इसमें तीन कनी छोड़नी है हमने। सिर्फ इतना बॉयल करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाकी जो है ना टाइम फिर उसके ऊपर दम के ऊपर लगेगा तो उसके अंदर वो रेडी हो जाएंगे। तो अभी पानी हमने रख दिया है, इसमें डालते हैं तकरीबन एक से डेढ़ चम्मच नमक और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। अभी इसमें हम तकरीबन एक चम्मच जो है ज़ीरा डाल रहे हैं। अभी जब तक पानी बॉईल होता है, अभी हमने ऐड कर दिए इसमें आलू भी। आलू जो है ना, हम मिक्स बिरयानी बना रहे हैं, इसमें हमने चिकन डाल दिया है, आलू डाल दिए और चने जो है ना वो बॉईल करके रखे हुए हैं। तो हल्की आंच पे जो है ना इसका कोरमा तैयार हो रहा है। पानी हमारा बॉईल होना शुरू हो गया, अभी हम इसमें डाल देते हैं चावल। यानी चावल हम दो किलो चावल लिए थे, उनको अच्छी तरह सोक कर लिया या बॉईल करें। तो इसके अंदर जो है ना आप एक से दो चम्मच अगर घी डाल देंगे तो चावल आपके बिल्कुल खिले खिले और आपस में जुड़ेंगे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी हो गया। चावल हमने बॉईल कर दिए, तकरीबन उसमें तीन कनी है। तो अभी हम चावलों की लेयर लगाती हैं और उसके बाद एक लेयर लगा दी, बराबर कर देते हैं। अभी इसके ऊपर जो है हम लगा देते हैं चनों को, बिछा देते हैं जो हमने चने बॉईल किए हुए थे वो बिछा देते हैं। अगर हम कोरमे के अंदर डालेंगे तो ये चने सारे जो है ना फट जाएंगे। ये चने लग गए। अभी जो बाकी चावल रखे हुए हैं हमने वो लगा देने हैं। जी, और इनको बराबर करके फूड कलर लगा देते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और ज़बरदस्त बासमती चावल हैं, खिले खिले लंबे लंबे। अभी हम डाल रहे हैं फूड कलर, क्योंकि बिरयानी की लुक ही इसी फूड कलर से आती है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और हम डालेंगे बिस्मिल्लाह। बस अभी इसको कर देते हैं दम लगा देते हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट और हमारी मिक्स बिरयानी, चना बिरयानी, आलू बिरयानी
ये सारी मिक्स ज़बरदस्त रेडी हो जाए, तो उस वक्त तक हम साथ में नमाज़ पढ़ लेते हैं। यानी जी अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, अभी हम जो है ना अपनी मिक्स बिरयानी को चेक कर लेते हैं। दम हमने लगा दिया था, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, तो अभी इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक। अभी इसको मिक्स कर लेते हैं पहले, सबसे पहले खिले खिले बिल्कुल दाना दाना। बिल्कुल रेडी हो गया, सारी नीचे से लेके ऊपर तक जो है ना सेम, ये नहीं कि नीचे से बिल्कुल गल गई और ऊपर से, हमने बिल्कुल जो है ना हाफ जब बॉयल किए थे हाफ किया था। हमारी मिक्स बिरयानी जो है हमने आज बनाई हुई है, चिकन आलू और वाइट चने कि मिक्स बिरयानी बनाई हुई, वो भी तहेदार। आप भी अपने घर में बनाएं। आज तो 10वीं खत्म की वजह से हमने ये ख़त्म के लिए बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी बिरयानी, आलू भी गल गए, चावल भी रेडी, हर चीज़ रेडी। अभी हम तकसीम करेंगे और बच्चे एंजॉय करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई है, आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी, आप भी घर में ट्राई करेंगे। बिरयानी का ये है कि बिरयानी लाइट और हल्की बनती है, अगर आप पुलाव बनाती हैं तो वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, यही ज़्यादा आप खा सकते हैं, वो कम खाएंगे जो पुलाव वगैरह होता है। ये नज़र हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी, अभी हम इसको कर लेते हैं डिश आउट और फिर सर्व करते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। डिश आउट, बिस्मिल्लाह। हमारी प्यारी सी मिक्स हमने कर लिया था, आप भी बनाएं और बिल्कुल ये बाजारी जैसे आप बाजार से खाते हैं वही चीज़ हमने बना दी आज, वही खुशबू वही टेस्ट। और कुछ बच्चे तो लेग पीस को बेचारे तरस रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी बिल्कुल रेसिपी रेडी होगी, अभी हम सर्व करेंगे और अपने बच्चों को बुलाएंगे और उनको खिलाएंगे और तकसीम करेंगे। सबसे पहले तो करेंगे तकसीम, तो ये आज 10वीं मुहर्रम है, तो 10वीं मुहर्रम की वजह से हमने आज ख़त्म दिलाया, तो उसी ये स्पेशल हमने मिक्स बिरयानी बनाई है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी सब मेरी यूट्यूब फैमिली को, तो आप भी अपने घर में ये मिक्स बिरयानी की रेसिपी ट्राई करें। तो आज के लिए इतने, और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें और वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें, आपकी मोहब्बत होगी। और जो दोस्त नए आते हैं तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी या जब भी वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी, तो आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना।